ये हाइड्रा से लेकर आया है, ये सेल को अभी इसका अंदर डालेगा, इसका साथ होल्डिंग करेगा, फिर जुड़ाएगा। अभी डाल रहा है, ये हाइड्रा ऑपरेटर है, ये देखिए सेटिंग चल रहा है। थोड़ा ऑफिस करो, बस बस आर्या आर्या बस सेटअप करने के बाद इसको फुल वेल्डिंग हो जाएगा। एक एक सेल डाला जाएगा पूरा राउंड मार के, फिर जेक लगा के इसको लिफ्टिंग करेगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, ऐसे चला जाएगा 30 मीटर तक जाएगा। सेटअप चल रहा है, अंदर से भी दिखा देते हैं। ये देखिए अंदर से इसका नजारा, देखिए लोग भी इधर अंदर से सब सेटअप कर रहा है, फिर हाइड्रा से भी खोल दिया जाएगा। उसके जो रोप लगा हुआ है वो खोल दिया, बहुत संकीर्ण जाएगा है, एडजस्टेबल करने के लिए उसको लेट हो रहा है। Thank you.
ये देखिए पहले वो वाला डाल के गया, अभी इसका डाल रहा है। ऐसे करते करते चारों तरफ से डाल देगा। डालने के बाद फुल होल्डिंग होने के बाद फिर ऐसे लिफ्ट और लिफ्टिंग मार के इसको टंकी ऊपर चला चलता जाएगा। ऐसे करते करते ये करते जाएगा। तो दोस्तों देखिए अभी डब चल रहा है। डाल दिया गया है, अभी इसको फिट अप करेगा, फिर होल्डिंग फुल हो जाएगा, ऐसे पूरा ताम झाम लग जाएगा। उसका बाद ये फिर उठेगा, फिर एक सेल लगेगा। ऐसे करते करते ये बनते जाएगा। ये देखिए चारों तरफ से इसका सेल डाल दिया गया है। अभी इसको फिट अप बनाएगा, होल्डिंग करेगा, ठीक है। इधर उधर सब तरफ दिखा दे रहा हूँ, एक बार अंदर का पोजीशन भी दिखा दूंगा। अभी ये देखिए चारों तरफ से सेल डाल दिया गया है। इधर ये देखिए ये इधर से भी लग गया है और इधर से भी ये अभी ठीक है। अभी अंदर का पोजीशन आप लोगों को दिखाते हैं। और लोग अभी सेटिंग कर रहा है, सब फिट अप करके होल्डिंग फोल्डिंग करेगा। तो दोस्तों ये देखिए अंदर का सीन, अभी ये लोग फिट अप कर रहा है। फिट अप करने के बाद इसको आरिया कर दिया। ये जो इतना गैप है ना, ये गैप जब को जब जेक को आरिया कर देगा तो उसका बराबर में आ जाएगा। तो फिर इसको वेल्डिंग करके कॉम्प्लीट करके फिर उठा दिया जाएगा। ये जेट अंदर का पोजीशन। तो दोस्तों ऐसा है ये टंकी बनाने का यह तरीका।